हेलो गाइस गाइस, यहाँ पर आपने वी चैट पर जब भी आप लॉग इन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पैराग्राफ आया है, और यहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्यों ये आता है आपको बनाने से पहले। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और इस प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा 100%। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे होता है तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो है मुझे बहुत सारी यूज़र्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। मैंने इस पर दो वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, और समथिंग 1000 से भी ज़्यादा इस चीज़ पर कमेंट है, क्योंकि जो भी अकाउंट बनाता है यहाँ पर आपको उसको दिक्कत ये देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि हम अकाउंट बनाते टाइम कर देते हैं, तब हमें ये आती है। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार मुझे SMS कर रहे थे, तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को गाइस ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, जिनके पास भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और वैसे तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से ये वीडियो बनाई है, दो ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने प्रॉपरली 11 मिनट की वीडियो बनाई थी, और उसमें सब कुछ आपको डिटेल्स में बताया था, सब कुछ A to Z, लेकिन फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत से लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स दिए ये वाले, जो कि जहाँ पर मैं हूँ तो ऑलरेडी डन, यहाँ पर आपको उनको प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ की, बहुत सारी स्क्रीनशॉट दिए उसके बाद भी। तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना दी जाए, और जो यूज़र्स प्रॉब्लम आ रही है वी चैट में उसको बता दिया जाएगा कि ये एरर आपको क्यों देखने को मिलता है, ये पैराग्राफ क्यों देखने को मिलता है जब आप अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को मैं बताता हूँ कि ये एरर क्यों आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी कुछ है इसको काट दीजिए, यहाँ पर मैं जो इसको सिक्योरिटी चेक को काट देता हूँ, और वी चैट के होम पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखा है। अब नाम लिखने के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग ये कर देते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, तो यहीं पर हम इसको डन कर देते हैं। हम अपना कंट्री का जो है किसी भी कंट्री का चिन्ह नहीं चूज करते हैं, जैसे कि उसका कोड होता है हमारा है 91, तो यहाँ पर जो हमारा US का है वो है 1+1। तो यहाँ पर जो है ये एरर जब देखने को मिलता है हमें। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़, यहाँ पर इस एप्लीकेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाती है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, क्या रीज़न है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर सीधा साइन अप कर देते हैं तो आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर अपनी कंट्री का बैच लगाएं, क्योंकि हर किसी कंट्री में एक एप्लीकेशन की टर्म एंड कंडीशंस एक नहीं रहती हैं, अलग अलग चेंज होती रहती हैं। अब जैसे कि इंडिया की टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं, US की अलग है, US की गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, जैसे उनकी कंट्री में वर्क करे अपनी मर्ज़ी से वर्क कराती हैं वो एप्लीकेशंस को, तो उन्हीं के हिसाब से डेडिकेटेड हुई होती हैं। अगर आप US के सर्वर से चलाएंगे, US के कोड से चलाएंगे, पहली बात तो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर नहीं आएगा, क्योंकि US का कोड लगा हुआ है और आपके पीछे US के कोड के पीछे आपका नंबर लगा होगा, तो वो बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। तो अगर यहाँ पर जो है अगर आप इंडिया का लगाते हैं तो आपके वेरिफिकेशन कोड आता है और सिक्योरिटी चेक भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूँ, आप ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर जो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहीं पर हमारा इंडिया ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लेना है और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने हर चीज़ यहाँ पर सेट कर रखी है, और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। और साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी चेक हो रही है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगी पहले, तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ऐसी आएगी, आपको इसको एक जगह पर मिलाना है, गेम सा है एक इस तरीके का, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन है और सिक्योरिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होता है सिक्योरिटी चेक, तो यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं इस टाइम, इसके सर्वर के हिसाब से हम US से नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड भी हमारा आ चुका है,
और यहाँ पर कोड भी आने के बाद जो है यहाँ पर हमारे सेकंड्स चल रहे हैं, इसको कंप्लीट होने के बाद हम जो है कोड डालेंगे तो हमारा वीचैट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूएस के से करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। बस मुझे यहाँ पर कोड डालना है, हमारा प्रोसेस, हमारी आईडी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको काट के दिखाऊंगा कि अगर आप यूएस के सर्वर से इसको चलाते हैं तो आपको वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में पहले आपको नहीं करके बताया था, मैंने डायरेक्टली उस पोजीशन पर ले गया था जहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। मैं उसको भी दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप यूएस के सर्वर को ट्राई करते हैं तो आपको क्या लिखा हो। तो यहाँ पर मैं इसको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को काट देता हूँ और गो बैक पर क्लिक कर देता हूँ, साइन अप पर जाता हूँ, दोबारा से अपना नाम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्री को वही रहने देता हूँ और नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं सब कुछ डाल तो कुछ डाल चुका हूँ और यहाँ पर कंट्री में यूनाइटेड स्टेट रखता हूँ और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। साइन अप पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस होगा, सिक्योरिटी चेक, इस पर आइकन पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्लीज़ वेट, यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी चेक होगी और वेरिफिकेशन सिक्योरिटी चेक करने के बाद जस्ट हमें वो एरर देखने को दोबारा मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक को कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये हमने लगा दिया हमारी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर दोबारा आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस वजह से आ रहा है, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सब सोल्व हो गई होंगी, आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि क्यों ये आता है। और बाकी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में हमारा नंबर आपको मिला होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी आपको और एरर देखने को मिलता है। और अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।